हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पढ़ाई डॉट कॉम पे। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो प्लांट पैथोलॉजी में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ और पहला टॉपिक मैं जस्ट इंट्रोडक्शन लेके आई हूँ। तो इसके बाद हम रोज ना कुछ नया सीखते चले जाएंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ना है पहले हमें उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले प्लांट पैथोलॉजी का मीनिंग देखते हैं। प्लांट तो पता है पौधा, पैथोलॉजी में लॉजी का मतलब स्टडी होता है। ये सब आपको पता ही होगा, लॉजी स्टडी के लिए यूज किया जाता है। और पैथो वर्ड होता है सफरिंग। सफरिंग प्लांट को जो सफरिंग हो रही है उसकी हम स्टडी करेंगे। प्लांट को सफरिंग मतलब प्लांट को कोई डिसीज हो रही है उसकी स्टडी करेंगे, और उसको मैनेज कैसे करना है ये भी प्लांट पैथोलॉजी में ही सिखाया जाता है, ये उसमें पढ़ा जाता है। तो मतलब प्लांट पैथोलॉजी में हम प्लांट को जितनी भी डिसीजेज हो रही है उनके बारे में, उन प्लांट को जितनी भी सफरिंग्स हो रही है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब इसमें बहुत सारे कुछ बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिस जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आयरिश फेमाइन, जो कि 1845 में आया था, अकाल पड़ गया था। 1845 में आयरिश फेमाइन आया था, आयरलैंड में एक अकाल फेमाइन आ गया था 1845 में। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम करेंगे चर्चा। चलिए तो बात करते हैं हम जो आयरिश फेमाइन आया था, मतलब वहां पे हंगर जो है वो बढ़ गया था बहुत ज्यादा लोगों में। अकाल, हम काल बोलते हैं ना, तो वो पड़ गया था लोगों में। इसकी वजह से क्या हुआ था, वहां पे लोगों को खाने के लिए, वहां पे ज्यादातर लोग आलू पे डिपेंडेंट थे, पोटैटो पे डिपेंडेंट थे। अब वो तो सारे सड़ गए। क्यों सड़ गए भाई, उसमें लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो नाम की जो है वो बीमारी, डिसीज जो है उसमें हो गई थी। उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसको करने वाला कौन था, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जो है उसको करने वाला था। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे आलू की बड़ी हो गई कमी, जिसकी वजह से क्या हुआ, सभी लोग वहां पे उनको भुखमरी का सामना करना पड़ा। और वहां पे क्या हुआ था कि ये पहले तो 4 साल चला 1845 से लेकर 1849 तक, लेकिन बाद में फिर से 1879 में लोगों को झेलना पड़ा था, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा डेथ हुई। 1 मिलियन के करीब लोग जो थे वो इस वजह से, ग्रेट फेमाइन की वजह से मारे, मतलब मर गए थे। ठीक है, और तो और बहुत सारे लोग इसको छोड़कर चले गए थे, ये देश को छोड़कर कहीं और चले गए थे भुखमरी की वजह से। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉफी रस्ट के बारे में। स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, थोड़ा ओके, यहाँ पे फन थी। सो कॉफी रस्ट जो है वो 1867 में जो है वो पाया गया था फर्स्ट टाइम। कहाँ पे, श्रीलंका में। श्रीलंका के सीलोन बोलिए, श्यूलोन बोलिए, कुछ भी, मतलब मुझे प्रोनंसिएशन नहीं आ रही है, CEYLON। ठीक है, तो सीलोन में इसको डिस्कवर किया गया था। तो इसकी थोड़ी मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ कि जैसे डच लोग हमारे यहाँ पे आए थे, वो सबसे पहले कॉफी लेके आए थे यहाँ पे। उसके बाद जैसे डच लोग चले गए हैं ना, उनको जो है वो ब्रिटिशर्स उनके एरिया के ऊपर रूल करने लगे थे, फिर सारा एरिया जो ब्रिटिशर्स के अंडर आने लगा था। तब 1867 में क्या हुआ था कि बहुत ये एक डिसीज फैल गई थी श्रीलंका, श्रीलंका में कॉफी की डिसीज, काफी इंपॉर्टेंट डिसीज है। ठीक है, तो बाद में, तभी तो पता नहीं चला था कि इसका कौन एजेंट है, लेकिन बाद में ये साइंटिस्ट है बर्कैली, इन्होंने डिस्कवर किया कि जो हेमेलिया वेस्टेट्रिकोला है ये इसका कॉज ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उन्होंने ये जो नाम दिया ना, हिमेलिया नाम से जो फर्स्ट नेम इसका जो दिया हुआ है, वो उस उन्होंने सोचा उनके स्पोर्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेसिस दिया था। जैसे इसके थोड़े हाफ स्मूथ कैरेक्टरिस्टिक्स के स्पोर्स होते हैं, उसके बेसिस पे इन्होंने हिमेलिया नाम दिया था। और जो वेस्टेट्रिकोला नाम दिया था इन्होंने, इन्होंने इस डिवास्टेटिंग नेचर ऑफ द डिसीज की वजह से दिया था, मतलब कि इतनी ज्यादा बढ़ के इतना बुरा इम्पैक्ट डाल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये नाम दिया था। तो उन्होंने बोला था कि
इमीडिएट जो है सल्फर को अप्लाई करो, तभी इस डिजीज को है हम रोक पाएंगे सल्फर की मदद से। ठीक है, इस डिजीज को रोका जा सकता है, कुछ ऐसा उन्होंने रेमेडी बताई थी इसको कंट्रोल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट डिसीज में एक्चुअली छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दूंगी हर डिसीज का, ज्यादा बड़ी बातें नहीं करेंगे हम, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर वो करते रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। चलिए, तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलर्डाट, मिलर्डाट को तो कोई नहीं, कौन है जो नहीं जानता ना। तो मतलब इन्होंने तो बहुत इंपॉर्टेंट फंजी साइट की डिस्कवरी की थी, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंस लेके आया एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्होंने क्या डिस्कवर किया था। इन्होंने बॉटेक्स मिक्सचर डिस्कवर किया था, ठीक है, इन 1882 में डिस्कवर हो गया था। लेकिन 3 साल जो है उसको मतलब पूरा ऑफिशियली वेरिफिकेशन देने के लिए ठीक है लग गए थे। तो 1885 में जाकर वो पूरा ऑफिशियली वेरीफाई उन्होंने जर्नल में पब्लिश वगैरह कर दिया था सब कुछ। तो ये फर्स्ट फंजीसाइड अगर कोई पूछता है कि कब आया और कौन सा था, तो देखिए बॉटेक्स मिक्सचर जो कि फ्रांस में डिस्कवर हुआ था ग्रेप्स के ऊपर, मतलब ग्रेप्स के ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट किया गया था। हुआ क्या था, एक्चुअली वहां पे एक डिसीज फैल गई थी जिसका नाम था डाउनी मिल्डी ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो एक्चुअली ये बॉटेक्स, तो इन्होंने देखा कि कॉपर सल्फेट और जो क्विक लाइम है, अगर इसका मिक्सचर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये काफी फायदेमंद रहता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने काफी एक्सपेरिमेंटेशन किया 2-3 साल। तो इनको पता चला कि यस, दिस इज अ क्वाइट गुड सोल्यूशन जो हम यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा फंजीसाइड है। ठीक है, तो बेसिकली फिर इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ऐसे करके ये डिस्कवर हुआ था। तो डाउनी मिल्डी ऑफ ग्रेप्स डिजीज को कंट्रोल करने के लिए ये जो है वो डिस्कवर किया गया था। एक्चुअली में होता क्या था, ये बॉडेक्स मिक्सचर जो बॉडेक्स वर्ड है ना, ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी जिसमें ये पढ़ाते थे उसके नाम के पीछे का वर्ड है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ बॉडेक्स, लेट मी चेक वंस कौन सी यूनिवर्सिटी थी इनकी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉडेक्स, यस यूनिवर्सिटी ऑफ बॉडेक्स में ये बॉटनी प्रोफेसर थे। ठीक है, तो वहां पे इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी मतलब उसी यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर इन्होंने इस मिक्सचर का नाम रख दिया और ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया। ठीक है, बॉडेक्स मिक्सचर। ठीक है, ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बंगाल फरमाई 1943 के बारे में। प्लांट पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे राइस की जो क्रॉप है उसको काफी इफेक्ट हुआ था इसमें, जिसकी वजह से लोग भुखमरी से मर गए थे। और इसका जो ऑर्गेनिज्म जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म वो देख लीजिएगा, हेमिंथस पोरियम ओरिजी। अगर आपको थोड़ा मैं पोलिटिकल बातें बताऊँ तो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, ब्रिटिशर्स का राज था, और आपको पता ही है इसमें ना एक विंस्टन चर्चिल नाम के जो ब्रिटिशर्स थे उनका बहुत बड़ा बुरा योगदान रहा इसमें बंगाल। फिर उनको काफी ब्लेम किया जाता है कि उनकी पॉलिसीज कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा था। और जापान ने बर्मा को ऑक्यूपाई कर रहे थे, बर्मा से काफी जो है राइस बंगाल में जाता था, लेकिन जब जापान ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया तो वो भी नहीं आ पाया। अक्टूबर जो है अक्टूबर के मंथ में वहां पे साइक्लोन भी आ गया था, तब भी इस प्रॉब्लम में काफी जो है वो इंक्रीज हुआ था। और फ्री ट्रेड जो है ब्रिटिशर्स ने उसको भी काफी हद तक बंद कर दिया था, जिसकी वजह से लाइक बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स और थोड़े पैथोलॉजिकल फैक्टर्स, आपको बात करें मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स बोल सकते हैं ये, जैसे ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ठीक है, ये इसकी वजह से भी बंगाल में फरमाइन आया था 1943 में। काफी ज्यादा डिफास्टेटिंग था, बहुत लोगों की डेथ हुई, ये बच्चे क्यों आप देख सकते हो, मतलब ये एक पिक है, बहुत बुरा हाल, बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ था वेस्ट बंगाल इंडिया में। ठीक है, तो बस ये थोड़ी सी मुझे आज इंट्रोडक्शन प्लांट पैथोलॉजी की इंट्रोडक्शन करनी थी कि जैसे मतलब क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें, कैसे कैसे कितने बड़े डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स लेके आए हैं वो इन पास्ट हिस्ट्री में अगर बात करें। तो आगे का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा और बेसिक, थोड़ा सब्जेक्ट में डीप डाउन जाएंगे, आज मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया। ठीक है, उसके बाद हम स्पोर्ट्स एंड ऑल सब कुछ
फंजाई सब कुछ पढ़ने पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।